जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेडमी के और पोको के कई डिवाइस के अंदर शाओमी ने यहाँ पर MIUI 12.5 इनहेंस्ड अपडेट को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया गया है शाओमी की तरफ से। तो आपसे बताऊँ कौन कौन से वाले डिवाइस जिनके अंदर MIUI 12.5 इनहेंस्ड अपडेट रिलीज़ होने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग के पास रेडमी पोको का कोई भी स्मार्टफोन है तो एक बार आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, और मी का भी कोई भी स्मार्टफोन है तो वो भी एक बार आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, चैनल के ऊपर आपको ऐसी सॉफ्टवेयर अपडेट्स की वीडियो मिलती रहती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा यहाँ पर आपको लिंक वगैरह और स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पोको M2 प्रो से। तो पोको M2 प्रो के लिए यहाँ पर 18 तारीख को ही यहाँ पर MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट को रिलीज किया, जिसका वर्जन था यहाँ पर MIUI 12.5.0.7, जिसका अपडेट साइज 797 MB था। और जो ये अपडेट था यहाँ पर MIUI 12.5 इनहेंस्ड का अपडेट था। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ डिवाइसेज के अंदर जो लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं उनके में यहाँ पर नीचे किसी में यहाँ पर 12.5 इनहेंस्ड लिख रहे हैं, यानी कि इस लोगों के नीचे यहाँ पर 12.5 इनहेंस्ड लिख रहा है किसी डिवाइसेज में, और किसी डिवाइसेज के अंदर नहीं लिख रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर यहाँ पर पोको M2 प्रो के लिए यहाँ पर इंडिया के अंदर MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट को रिलीज कर दिया गया और धीरे धीरे सभी यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और जो सबसे बड़ा डिवाइस है जो कि यहाँ पर मी सीरीज का डिवाइस है, यानी कि Mi 10i। तो Mi 10i जिनके पास डिवाइस है उनके लिए फाइनली ग्लोबल साइड के अंदर MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट को रिलीज कर दिया गया और उसमें अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच दिया गया है। और इंडिया के अंदर जो ये अपडेट है यहाँ पर नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर के मंथ में देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर Mi 10i यूजर हैं उन सभी के लिए अच्छी बात यह है कि 623 MB का ये अपडेट साइज है और MIUI 12.5.3.0 अपडेट वर्जन है और ग्लोबल साइड में रिलीज हुआ और अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच है और MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट है। तो जिनके पास यहां पर डिवाइस है Mi 10i वो लोग वेट कर लीजिए, नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर अपडेट रिलीज हो जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट और लिंक वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो Mi 10i के लिए यहाँ पर फाइनली ग्लोबल साइड में MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट को रिलीज कर दिया गया है। और भी यहाँ पर डिवाइसेज के बारे में बात कर लें तो और भी इसमें जो डिवाइसेज है कुछ डिवाइसेज का नाम मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ जो कि है। इसमें एक डिवाइस है पोको M3 Pro 5G। जी हाँ दोस्तों, पोको M3 Pro 5G यूजर्स के लिए ग्लोबल साइड के अंदर MIUI 12.5 पॉइंट इनहेंस अपडेट को रिलीज कर, जिसका वर्जन है MIUI 12.5.2.0। डायरेक्ट यहाँ पर MIUI 12.5 की जगह कंपनी वालों ने टू इनहेंस अपडेट को भी रिलीज कर दिया, जिसका अपडेट से 307 MB का है और यहाँ पर आपको सितंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ यहाँ पर MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट को रिलीज कर दिया, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है कि काफ़ी सारे डिवाइसेज में इनहेंस अपडेट को रिलीज कर दिया गया है। और भी यहाँ पर कुछ डिवाइसेज के बारे में बात कर लें, तीन में एक डिवाइस और है जो कि है Redmi 9T। तो Redmi 9T के लिए भी यहाँ पर ऑलरेडी ग्लोबल साइड के अंदर MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट को रिलीज कर दिया, जिसका यहाँ पर एंड्रॉइड 11 के साथ अपडेट रिलीज करा है, जो कि आप लोग यहाँ पर खुद देख लीजिए इंडिया के अंदर Redmi 9 Power के नाम से रिलीज है और ग्लोबल साइड के अंदर यहाँ पर जो Redmi 9T है उसके अंदर MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट रिलीज कर दिया। और इंडिया के अंदर जो Redmi 9 Power यूजर है उन सभी के लिए यहाँ पर नेक्स्ट मंथ के एंड तक MIUI 12.5 इनहेंस्ड और साथ में यहाँ पर आप सभी को एंड्रॉइड 11 अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। तो वेट करिए, नेक्स्ट मंथ के अंदर अपडेट रिलीज होगा और जितने भी डिवाइसेज बता रहा हूँ इन सभी के लिए जो अपडेट है यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे के लिए रिलीज होगा, फिर अपडेट रोल बैक हो जाएगा। और आप लोग अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। तो ये कुछ डिवाइसेज इनके लिए यहाँ पर ग्लोबल साइड में अपडेट रिलीज होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग वेट करिए, जिन जिनको यहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं मिला है उनको यहाँ पर अपडेट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग बस थोड़ा सा और वेट करना है। साथ में एक Redmi 8A स्मार्टफोन है उसके लिए भी यहाँ पर इंडिया में MIUI 12.5.2.0 का भी एक अपडेट रिलीज हुआ है, छोटा सा सिक्योरिटी पैच अपडेट है, 158 MB का अपडेट है और सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो एक नॉर्मल से अपडेट यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। तो एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जितने मैंने 4 या 5 डिवाइसेज बताए इन सभी के लिए इंडिया के अंदर MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट रिलीज होने स्टार्ट हो चुके हैं, ग्लोबल साइड में भी और इंडिया के अंदर भी। इंडिया के अंदर सिर्फ पोको M2 प्रो को मिला है और जिनको यहाँ पर ग्लोबल साइड में अपडेट मिला उनके लिए यहाँ पर नेक्स्ट मंथ के अंदर इंडिया में रिलीज कर दिया जाएगा। रेडमी नोट 9 प्रो को नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, नोट 9 प्रो मैक्स को भी नेक्स्ट मंथ के अंदर मिलने वाला है, रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स को भी यहाँ पर नेक्स्ट मंथ के अंदर अपडेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर MIUI 12.5 इनहेंस का जो अपडेट देखने को मिलने वाला है, तो वेट करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रख लीजिए क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा आपको नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगी, इसके जरिए आप लोग यहाँ पर अपडेट को मिस नहीं कर पाओगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बताना कि आप लोग इनमें से कौन सा डिवाइस यूज़ करते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।